कोरोना के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं मुरादाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल बिना रिपोर्ट। कोरोना की पुष्टि कर रहे हैं मुरादाबाद के डॉक्टर। पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है तो इस दौर में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। वहीं डॉक्टर अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और मरीजों से पहले पैसा ले लेते हैं फिर इलाज नहीं देते। जी हाँ, आपने सही सुना, मुरादाबाद के अस्पतालों में कुछ इस तरह का ही हाल इस कोरोना काल में चल रहा है। ऐसे में प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। ताजा मामला एशियन हॉस्पिटल का है। देर रात एक मरीज को जबरदस्ती बिना टेस्ट कराए कोरोना घोषित कर उसको TMU रेफर किया जा रहा था। परिजनों ने एशियन हॉस्पिटल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके मरीज को जबरदस्ती TMU हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं, जिसका उन्होंने विरोध भी किया। सरकार के द्वारा कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं और सभी को स्वस्थ रहने की सलाह दी जा रही है, तो वहीं अब अस्पताल भी कोरोना के नाम पर मरीजों से खूब वसूली कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित न होने पर भी मरीजों को कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद के विवेकानंद अस्पताल से सामने आया है, जहां मरीज को 3 दिन एडमिट करने के बाद 60,000 का बेड रेस्ट बिल बनाया और तीसरे दिन TMU रेफर करने की बात कही। जब मरीज के परिजनों ने अस्पताल परिसर में डॉक्टरों से बात की तब उन्होंने कहा, आपका मरीज कोरोना संक्रमित है। बिना किसी रिपोर्ट से डॉक्टर साहब ने मरीज को कोरोना संक्रमित कर दिया और बोले कि तुरंत TMU लेकर जाएं। फिर परिजनों से बात की गई तो बताया कि हमारा मरीज ठीक है, लेकिन विवेकानंद अस्पताल के डॉक्टर मरीज को कोरोना पॉजिटिव बताकर TMU रेफर करने की बात कर रहे हैं। जहां एक ओर सरकार कोरोना मरीजों के लिए इतनी सुख सुविधा मुहैया करा रही है, तो वहीं यह स्वास्थ्य कर्मी इन सुविधाओं को कालिक पोतते हुए नजर आ रहे हैं और मुरादाबाद के हर अस्पताल का मरीजों को TMU रेफर करना कहीं ना कहीं सवाल उठाता है और TMU से ही आए दिन किसी न किसी मरीज की आत्महत्या होना एक बड़ा सवाल पैदा करता है। लेकिन मुरादाबाद प्रशासन इतना सब देखने के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है, कानों में रुई लगाए और आंखों पर पट्टी बंधी है। क्या योगी सरकार में जनता का ऐसा ही हाल होता रहेगा? क्या मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध होंगी? यह तो वक्त ही बताएगा। नाम लवी सैनिया, ये मेरे बहनों ही है जो यहाँ पर एडमिट हैं। शाम को इनकी कॉल आई थी हमारे पास और TMU रेफर कर दो, तो हमने बोला TMU रेफर कैसे कर दें, जब आपके वहाँ मूवमेंट हो गया हमारे मरीज का तो हम TMU भर्ती क्यों करें। तो इन लोगों ने बोला इनकी कंडीशन जो है वो कोरोना पॉजिटिव में है, तो मैंने परसों से इनको भर्ती कर रखा है यहाँ पर और इन्होंने 60,000 रुपये 3 दिन का किराया बताया खाली बेड रेस्ट का, दवाई अलग है। भाई मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं इन्हें कहाँ लेके जाऊँगा ये बताइए आप। अब ये लोग कह रहे हैं TMU ले जाओ, ये कह रहे हैं ये संक्रमित हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं दी इन्होंने, हमें कोई रिपोर्ट नहीं बताई है, जबरदस्ती भेज रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं हमारे पास में तुम्हारा मेडिसिन नहीं है और हमारे पास में ये फैसिलिटी नहीं है। नहीं बताया इन्होंने कुछ भी, नहीं बताया। हमने तो परसों एडमिट कर दिया था बस, इनको एंसुलिन में डाल दिया था इन्होंने। हमें पता है वहाँ पे, हम तभी तो लेके नहीं जा रहे, हमें डर लगा हुआ है हमारे पेशेंट की कोई हालत खराब ना हो जाए। डॉक्टर साहब तो यही बोल रहे हैं TMU लेके जाओ वरना हम पुलिस बुला लेंगे। आप यहाँ पे नाटक कर रहे हैं, यूँ कह रहे हैं हमसे। जी हमने खाली आपको फ़ोन करा है, उसके बाद में यूँ कह रहे हैं हम पुलिस बुला लेंगे यहाँ पर। आप किसी को भी फ़ोन कर दो।